देव और अर्जुन के संयोजन का सामना जब आप और आचार्य द्रोण तक नहीं कर पा रहे हैं तो ये किसके रोके रुकेंगे? और जिस योद्धा में इन्हें रोकने की क्षमता है उसे आप अपने ध्वज की छाया तक देने को तैयार नहीं है। हे कुरुश्रेष्ठ, हमारी विजय के लिए अर्जुन वध आवश्यक है और आप अर्जुन वध करेंगे नहीं तो फिर कर्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन योद्धा है जो अर्जुन को रोक सके? वह सभ्य योद्धा मेरे ध्वज तले युद्ध नहीं करेगा। यदि हस्तिनापुर के प्रति मेरी निष्ठा पर तुम्हें विश्वास नहीं तो बना लो किसी और को अपना प्रधान सेनापति। ना ऐसा मैंने कहा है पितामह, और ऐसा ना ही मैं सोच सकता हूं। तुम्हारा सबसे बड़ा दोष यही है पुत्र कि तुम सोच सकते ही नहीं। यदि सोचते या सोच सकते तो वासुदेव की बात मानकर पांडु पुत्रों को 5 गांव दे देते। शवों के इस खलियान के तुम ही उत्तरदायी हो पुत्र, तुम ही। अब जाओ यहां से और युद्ध करने दो मुझे। विश्वास रखो, जब तक मेरे हाथ में धनुष है मैं तुम्हारी सेना को पराजित नहीं होने दूंगा। We'll be right back.
ये सूर्य अस्त क्यों नहीं हो रहा है? कल जब मैं चाहता था कि अस्त ना हो तो ये अस्त हो गया था, आज जब मैं चाहता हूँ कि अस्त हो तो ये अस्त क्यों नहीं हो रहा है? तुम्हारे लिए भला सूर्य देव अपनी गति क्यों बदले गांधारी नंदन? तुम एक शूरवीर हो, सूर्य की ओर मत देखो, अपने शत्रुओं की ओर देखो। Thank you.